आंसर के लिए, जो सृजनात्मक उत्तर होते हैं उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्रिएटिव आंसर रिक्वायर, किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला विषय वस्तु आधारित प्रश्न, यानी कि कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। सेकंड है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। थर्ड है एक अत्यंत अनुशासित क्लास, एक हाईली डिसिप्लिन्ड क्लास होनी चाहिए। एंड फोर्थ है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, यानी कि डायरेक्ट टीचिंग या डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्रिएटिव आंसर रिक्वायर, किस चीज को रिक्वायर करते हैं क्रिएटिव आंसर। आज की साइकोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से HPTET 2024 के एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आपके पास ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, बायलिंगुअल फॉर्म में रहेगा, गतिज कौशलों में अधिगम क्या कहलाती है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है मोटर स्किल में, मोटर स्किल यानी कि जो हम फिजिकली कोई हम वर्क करते हैं या हमारा जो एक टैलेंट है, स्किल है, उस चीज़ के बारे में बताया, तो वो जो चीज़ रिलेट होती है, वो जो प्रॉब्लम होती है, उसको कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया, ना कि डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो है जिसमें कैलकुलेशन पार्ट है, नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन पार्ट है, तो वो मैथ से रिलेटेड है। ये आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है एप्रोप्रिएट इनपुट होती है, उसको सुधारा नहीं जाता। दूसरी है स्थिर अवस्था है। तीसरा है ये एक चर अवस्था है। और चौथा है जरूरी नहीं कि ये कार्य पद्धति की हानि करे। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर इसका हो सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट यानी कि एक चर अवस्था है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो अगर किसी बच्चे को लर्निंग अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट डिसऑर्डर होता है। अगर किसी बच्चे को कोई फिजिकल डिसऑर्डर है, हो सकता है उसको अगर टांग में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कि वो एक परमानेंट रहेगी। अगर वो एक पोलियो का बच्चा, तब तो हम बोल सकते हैं कि वो उसकी पूरी लाइफ टाइम तक वो चीज़ रहेगी। लेकिन जो हम जैसे कैलकुलेशन की बात करते हैं, कोई एक टेंथ क्लास का बच्चा है जिसका वो टेंथ में उसका माइंड शार्प नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हो सकता है कि वो प्लस वन में हुआ, प्लस टू में हुआ, उसने थोड़ा फोकस किया, वो क्लास में फर्स्ट भी आया, तो ऐसा भी होता है कि जो बच्चा स्लो लर्नर होता है वो फास्ट लर्नर बन जाता। तो वेरिएबल स्टेट होती है इसकी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयोगी होता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जिनको एक स्पेशल नीड होती है, जो बच्चे स्पेशल जिनको नीड होती है, तो उससे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त होती है, कौन सी मूल रचना होती है, जो बेस्ट सुटेबल एक मेथड है, वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए में बोला गया था अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, यानी कि अगर एज अ टीचर अगर आप कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हों, तो ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, यानी कि जब टीचर समझा रहा है तो बच्चों को गाइड देना, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, वो भी सही आंसर है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। थर्ड है कोऑपरेटिव लर्निंग्स, सहकारी अधिगम, यानी कि एक दूसरे के साथ सहायता प्रदान करना, पीयर टूर या पीयर ग्रुप बनाना, ये भी इसका राइट आंसर है। इसका ऑप्शन डी है कि अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी गलत है कि बच्चों का एक क्राइटेरिया रख दिया कि कौन सा लो ग्रेड वाला बच्चा, कौन सा हाई ग्रेड वाला बच्चा, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया है जो सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों आपके सही आंसर है, लेकिन जो सबसे अधिक यूज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कोऑपरेटिव लर्निंग, जो भी स्लो लर्नर होता है बच्चा उसको टीचर के द्वारा गाइडेंस भी दी जाती है, मोटिवेशन भी दी जाती है, इन्वॉल्व भी किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है वो सीखता अपने पेयर ग्रुप से। टीचर क्या करते हैं, पांच पांच बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं, जिसमें दो बच्चे जो होंगे वो इंटेलिजेंट होंगे और तीन बच्चे जो होंगे वो थोड़े स्लो लर्नर होंगे, तो बच्चा टीचर से ज्यादा उस अपने ग्रुप से सीखता है सबसे ज्यादा, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो माना जाता है। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं, लेकिन जो हम मोस्ट प्रेफर जिसको हम ऑप्शन को करेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन है अधिगम की योग्यता का लक्षण है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी की कौन सी एक करेक्टरिस्टिक्स है। पहला ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति, यानी कि अपने काम से भाग जाना। दूसरा ऑप्शन है अशांत ऊर्जावान और विंध्य संख होना। इसमें यह कहा गया
कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे शो करते हैं, ठीक है, ये चीज़ कही गई। तीसरे में कहा गया कि अवधान या संबंधी बाधा विकार, उनको कोई अटेंशन कोई रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर है। और चौथा है अभिप्रेरणा का अभाव, यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन। तो जो लर्निंग एबिलिटी है उसकी एक कौन सी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपके लिए बताई गई है इन चार ऑप्शन में। सो इसका जो राइट आंसर है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एबिलिटी, वो है अटेंशन कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू एनी डिसऑर्डर। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, यानी कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करती है किसी पर्सन के मेंटल फॉर्म को, यानी कि मेंटल इंपैक्ट जो है वो डायरेक्ट डालती है, उसके मानसिक प्रभाव को वो प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए में कहा गया पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, यानी कि वो जो कोई पर्सन है उसको डायरेक्शन दी जाती है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी आती है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स उसकी शो की जाती है। सेकेंड है नो मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि उसको कोई भी मानसिक तरीके का कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में पूछा गया व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, यानी कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उनसे उस पर्सन को फ्री कर दिया जाता है, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि मानसिक प्रभाव को कौन सी चीज जो है वो यहाँ पे सही स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती है। So, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, यानी कि फर्दर डायरेक्शन ऑफ फुल एक्सप्रेशन कंसिस्टेंसी एंड जर्नल करेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया था, आपको क्लास में करवाया गया है। गिलफोर्ड हैज यूज द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ सिमिलर सेंस, किस क्षेत्र में किया था, इंटेलिजेंसी क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि गिलफोर्ड की जो टर्म्स है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि क्रिएटिविटी के लिए यूज की जाती है ना कि इंटेलिजेंसी के लिए। गिलफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो इंटेलिजेंसी का ही था, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग उसने जब कहा तो वो क्रिएटिविटी में आता है। क्रिएटिविटी में जैसे कि कोई एक पर्सन है वो डिफरेंट तरीके की पेंटिंग करता है, आज उसने भगवान शिव की पेंटिंग बनाई, कल उसने किसी घर की पेंटिंग बनाई, परसों उसने कोई दौड़ते हुए घोड़े का चित्र बनाया, तो उसकी क्या हो रही है, थिंकिंग जो है वो हर बार चेंज हो रही है, यानी कि एक पोजीशन से नए में गया। पहले उसने सिंपल पेंसिल से उसमें स्केच बनाया, फिर उसने कलर से स्केच बनाया, वो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर रहा है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट तक जाती है, ये कॉन्सेप्ट दिया था गिलफोर्ड ने। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी। इसमें यह कहा गया कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो अगर उसको अपने युग की रक्षा करनी है, ठीक है, उसको अपने एक सोसाइटी को अगर बचाना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से जो है वो उसके लिए संतोषजनक होगी कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास दिया गया है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, फिर है आपके पास विवेकीकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद है ओवर इमेजिनेशन, या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर इमेजिनेशन, क्योंकि जो व्यक्ति है वो क्या है, पहले से ही फिजिकल डिसऑर्डर है, तो उसको क्या होगा, वो ज्यादा उन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो खुद को सेटिस्फाइड कैसे करेगा, अपनी कल्पनाओं के अनुसार जो है वो सेटिस्फाइड करेगा। अपनी सोसाइटी में जब वो रहता है तो उस तरीके से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, लेकिन खुद को सेटिस्फाई करेगा इमेजिनेशन से कि हाँ मैंने ये चीज जो है वो कर ली है, मैंने ये चीज देखी है, ठीक है। अब वो कोई एक व्यक्ति है जो स्कूल नहीं जा सकता, तो वो स्कूल की सारी चीजें क्या कर रहा है, इमेजिनेट करता है, ठीक है। ओवर इमेजिनेशन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, यानी कि एक क्रिएटिविटी को एक पूरे तरीके से क्या करना है, आपने
उसको न्यूट्रिशन देनी है, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपने उसको एक तरीके से, एक पौधे को जैसे हम पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, तो क्रिएटिविटी को न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक टीचर के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होता है? पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा है लेक्चर मेथड, तीसरा है ऑडियो विजुअल मटीरियल, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या जिसको हम विचार वेश बोलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जैसे किसी एक बच्चे को जो है वो कोई प्रॉब्लम दे दी सॉल्व करने के लिए, जैसे प्लस टू में या टेंथ में बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करते हैं, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, विचार पेश करते हैं। जैसे कि एक क्लास लगी है, उसमें 15 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, टीचर ने एक कॉन्सेप्ट लिया कि ये सेब जो है वो पेड़ से नीचे क्यों गिर रहा है, तो अगर 30 बच्चे हैं तो 30 नए कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। कोई ये कहेगा कि जो धरती है वो उसको खींच रही है, कोई कहेगा कि न्यूटन का फॉर्मूला है, कोई ये कहेगा कि ये पेड़ कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि पेड़ नीचे की तरफ सेब को फेंक रहा है। हम कोई भी कॉन्सेप्ट अगर लेके जाएं अपनी क्लास में, तो जितने भी माइंड वहां पे बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, उन सभी के माइंड क्या करेंगे, अपने अपने विचार पेश करेंगे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 30 बच्चे बैठे हैं, तो 30 प्रकार के जो है वो मेथड नए निकल के आएंगे, उसको कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो एक क्रिएटिविटी को उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकें। तो जैसे एक क्लास में टीचर ने ये कहा कि आप अपनी मर्जी से सभी बच्चे एक एक पेंटिंग बना के लेके आएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि 30 के 30 बच्चे जो हैं वो सेम ही पेंटिंग ले आएं। अब हो सकता है मेरा माइंड ये करे कि मैं एक घर का चित्र बनाऊं, आपने ये सोचा कि आपने किसी एक जो गॉड है, ठीक है, कोई भगवान का आपने चित्र बना दिया, कोई एक और पर्सन है जिसने नदियों झरनों का चित्र बना दिया, तो अगर 30 बच्चे उस क्लास में, तो 30 में से लगभग जो 25 बच्चे होंगे उनकी पेंटिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि डिफरेंट उनके विचार जो है वो निकल के आएंगे। तो उस वजह से हम क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। जैसे मैंने अगर एक घर का चित्र बनाया, तो मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा, तो कोई ये बोलेगा कि मैंने हाँ इसका चित्र बनाया, कोई बोलेगा मैंने स्कूल का चित्र बनाया, कोई बोलेगा मैंने पेड़ पौधों का चित्र बनाया, तो मेरी क्रिएटिविटी भी क्या होगी, वहां से बढ़ेगी, और मैं उन चीजों को वहां पर सीखने की ट्राई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? एक कोई लड़का है, इरफान है, जो अपने खिलौनों को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें वो अलग अलग कर देता है, तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए? आप उस पर नजर रखेंगे, ठीक है। सेकेंड है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचलित करेंगे, यानी कि आपने उसको प्रोत्साहित किया कि नहीं आप ये चीज जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, और उसको आप कोई एक नई डायरेक्शन जो है वो वहां पे दे सकते हो। थर्ड है कि आप उसको समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, और फोर्थ है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि इरफान को क्या करता है, इरफान खिलौनों को तोड़ देता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। जैसे एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे एक बर्ड बताया उसके पूर्वजों को देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे पूर्वजों तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि उसके पुर्जों को देखने के लिए। एक कोई बस है, एक खिलौना है, किसी बच्चे को ले दिया, एक कोई लड़की है उसको डॉल ले दी, वो क्या करेगी, उसके सर को अलग कर देगी, उसके बाजुओं को अलग कर देगी, उसकी टांगों को अलग कर देगी, ठीक है, उसकी आईज को खोल देगी। तो जो एक बच्चा है वो खिलौनों को तोड़ देता है और सारी चीजों को अलग अलग कर देता है, तो एज अ पेरेंट्स आप उसको कैसे समझाएंगे, इन ऑप्शन में से क्या राइट आंसर रहेगा? So, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ऑप्शन बी में कहा गया, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, हाँ हमें बच्चे की जो जिज्ञासा है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन अगर हर बार वो खिलौनों को अगर तोड़ देता है तो वो फिर क्या है, वो हमारे लिए भी वहां पे मिस्टेक होगी, ठीक है, हमारी भी वहां पे गलती होगी कि हम हर बार बच्चे को नहीं डांट रहे हैं, क्योंकि कुछ खिलौने जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, ठीक है, मार्केट में आजकल जितने खिलौने आते हैं वो लगभग 100-200 के अराउंड आते हैं, 10-20 वाला तो जमाना है ही नहीं, तो जितने खिलौने आए बच्चा अगर उनको तोड़ देगा तो हम बच्चे को प्रोत्साहित कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ कोई एक ऐसी चीज है, मैकेनिकल टर्म है, तो उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोत्साहित कब करते हैं, जब बच्चे के पास उस
उस लेवल का माइंड होता है, दिमाग होता है, कोई 2 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा अगर वो सारे खिलौनों को तोड़ दे, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो है वो ये जॉब करेगा, तो हम बचपन से उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते। हाँ, जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना अच्छा है, लेकिन हर बार अगर उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे तो वो हर बार अपने खिलौनों को तोड़ देगा। सो इसलिए जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो ये है कि उसको समझाना है कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव आंसर किस चीज के लिए, क्रिएटिव आंसर के लिए जो सृजनात्मक उत्तर होते हैं उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्रिएटिव आंसर रिक्वायर किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला विषय वस्तु आधारित प्रश्न यानी कि कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। सेकेंड है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। थर्ड है एक अत्यंत अनुशासित क्लास, एक हाईली डिसिप्लिन्ड क्लास होनी चाहिए। एंड फोर्थ है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न यानी कि डायरेक्ट टीचिंग या डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्रिएटिव आंसर रिक्वायर, किस चीज को रिक्वायर करते हैं क्रिएटिव आंसर। जब मैंने आपको क्रिएटिव के बारे में एक टॉपिक हल्का सा डिस्कस करवाया तो मैंने एक बात वहाँ पे कही कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों को टीचर ने कहा कि आपको जो है वो पेंटिंग बना के लेके आनी, तो 30 के 30 बच्चे जो है वो नई नई पेंटिंग बना के लेके आएंगे, यानी कि उनका जो दिमाग है वो क्या करेगा, ओपन एंडेड तक सोचना शुरू कर देगा, शुरुआत से अंत तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को हम क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर मान के चलते मैंने बच्चों को ये कहा कि आपने एक क्वेश्चन अपनी बुक से याद करके आना, मैं आपसे पूछूंगा, तो वो क्रिएटिविटी को उतना एनहांस नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों के पास मटेरियल दिया, कंटेंट बेस उनको मिल गया। हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम में भी आप क्रिएटिविटी को उतना एनहांस नहीं कर सकते, डायरेक्ट टीचिंग या डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आप क्रिएटिविटी को एनहांस नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी कब एनहांस होती है, जब बच्चे का माइंड जो है वो ओपन एंडेड हो जाता है, यानी कि बच्चा अपने दिमाग से जो उसको अच्छा लगता है वो उसको बनाता है। जैसे मैंने एक क्लास में कहा, एक ड्रॉइंग की क्लास लगी है, टीचर ने कहा कि आप सभी जो है एक सेब का चित्र बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी तो है लेकिन वो बच्चे की क्रिएटिविटी को उतना एनहांस नहीं करेगी, ठीक है, जितना कि अगर टीचर ने ये कहा कि आपको जो भी फ्रूट पसंद है वो आप बनाइए, तो कोई सेब बनाएगा, कोई अंगूर बनाएगा, कोई केले का चित्र बनाएगा, कोई संतरे का बनाएगा, तो उससे उनकी क्रिएटिविटी जो है वो ज्यादा एनहांस होगी। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो क्रिएटिविटी आंसर के लिए रिक्वायर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, उसने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। एक कोई क्लास में टीचर है और उसकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं और वो चाहती है कि वो अपने टैलेंट को जो है वो वहाँ पे शो करें, तो उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कि वो बच्चा जो है वो अपने एम ऑब्जेक्टिव तक पहुँच सके, अपने गोल को अचीव कर सके, तो एज अ टीचर, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है तनाव को नियंत्रण करना सिखाना चाहिए कि अगर स्ट्रेस है तो कैसे कंट्रोल करना है। सेकंड है विशेष अध्ययन के लिए उनके समक्ष अलग से क्लासेस लगानी चाहिए, टू सेपरेट देम फ्रॉम देयर पीयर फ्रॉम स्पेशल स्टडी, यानी कि उनको स्पेशल स्टडी देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन सी, उनकी सृजनात्मक के लिए समृद्ध करने के लिए उनको जो है वो चुनौती देना, यानी कि उनको चैलेंज करना उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए, या फिर लर्निंग टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, यानी कि एकेडमिक एस्पेक्ट को छोड़ के, सिलेबस को छोड़ के, उनको जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, उन चीज़ों में उनको सिखाना कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो अगर कोई एक बच्चा है जिसमें हाईली पोटेंशियल है, वो टैलेंटेड है, तो उसके एम तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। So, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, विशेष अध्ययन के लिए उनको जो है वो अलग करना, यानी कि
किसी बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, कोई बच्चा टैलेंटेड है, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उस बच्चे को कहेंगे कि आप एक स्पेशल स्टडी जो है वो लें। जैसे 9 से 3 कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, कोई अगर अच्छा बच्चा है तो हम क्या कहेंगे कि कहीं से वो कोचिंग ले, कहीं से वो ट्यूशन पढ़े, या वो एक स्पेशल स्टडी जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जो है वो करे। इन 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक विद्यार्थी, ठीक है, जो क्रिएटिव लर्नर होते हैं वो कौन से होते हैं। क्रिएटिव लर्नर की बात की गई, क्रिएटिव लर्नर, ठीक है, सृजनात्मक विद्यार्थी। पहला बताया गया है वेरी इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान होते हैं। दूसरा ऑप्शन बताया गया परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लेके आते हैं, हर बार क्या करते हैं अपने अच्छे अच्छे अंक लेके आते हैं, 100 में से 100, 100 में से 90, ठीक है, ऐसे ऐसे अंक। तीसरा है चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होते हैं, यानी कि उनकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। लास्ट ऑप्शन है फैंटेस्टिक इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्रिएटिव लर्नर वो होते हैं जिनकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी होती है और पेंटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको बताना जो क्रिएटिव लर्नर हैं वो इन 4 ऑप्शन में से आप किसको कहेंगे कि ये क्रिएटिव लर्नर के गुण हैं या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्रिएटिव लर्नर में मैंने पहले ही आपको बताया कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है। जब बच्चे को ये कहा गया कि बच्चे को पेंटिंग बना के लेके आनी, टीचर ने कहा 30 बच्चों को, तो 30 के 30 बच्चे जो हैं ओपन माइंडेड जो हैं वो एक पेंटिंग बना के लेके आएंगे। अब उसने पेंटिंग कैसे बनाई, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप पेंटिंग बना के लेके आएंगे, ज़्यादातर हम क्या करते हैं एक पहाड़ पौधों वाली पेंटिंग लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया वहाँ पे एक फ्रूट्स का चित्र बनाया, ठीक है, कि एक बास्केट है उसके अंदर फ्रूट है, तो आपने क्या किया थिंकिंग की ना, अपनी एक थिंकिंग यूज़ की। तो थिंकिंग ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ में होगी, आपने ये सोचा कि आप एक बास्केट की फॉर्म में जो है वो एक फ्रूट्स को रखेंगे, वो चीज़ आपने बनाई, फिर हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो प्रॉपर ढंग से पेंटिंग ना बने। तो आपने क्या किया वहाँ पे एक जो है वो किसी एक लड़की का चित्र बना दिया, ठीक है, जो पार्क में घूम रही है, ठीक है। तो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करते कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो क्रिएटिव लर्नर का सबसे अच्छा गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन डी बताया गया है ड्राइंग एंड पेंटिंग, क्योंकि मैं बार बार आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि ड्राइंग एंड पेंटिंग, लेकिन क्रिएटिविटी ड्राइंग एंड पेंटिंग के अलावा भी बड़ी ज़्यादा चीज़ों में होती है, उसको भी हम क्रिएटिविटी कहते हैं। जैसे कि किसी को सिलाई कढ़ाई काफ़ी अच्छी आती, किसी को कुकिंग बड़ी अच्छी आती है, क्रिएटिविटी है वो भी। किसी को जो अगर कोई एक सलाद काटता है, ठीक है, जिसने सलाद जो है जैसे हम खाना खाते हैं, तो किसी ने जब सलाद काटा तो उसको डिजाइनिंग में कैसे काट रहा है, वो भी हमारी क्या है क्रिएटिविटी है। तो ज़रूरी नहीं कि ड्राइंग एंड पेंटिंग में ही क्रिएटिविटी हो, उसके अलावा भी जहाँ पे हम अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं, मल्टीपल तरीके से हम सोचते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है, शो करती है। अगला क्वेश्चन है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य विकास शारीरिक विकास 1 माह पूर्व आवश्यकता है, ये कथन किसके द्वारा यहाँ पे ये पूछा गया बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास 1 महीने पहले आवश्यक होता है, तो ये कथन क्या कहता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट करवानी है, ठीक है, बच्चे को अगर उचित विकास करवाना है तो उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर बेसिकली जो है वो डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हमें अपनी ग्रोथ करवानी, किसी बच्चे की ग्रोथ करवानी है तो कौन सी चीज़ जो है वो बच्चे के 1 महीने पहले वो हो जानी चाहिए, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ऑप्शन ए में बोला है गलत हो सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पहले में तो ये बोला, दूसरे में बोला कि ये सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की उसमें फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहले आती है, ये कहा। तीसरे में ये कहा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ इंटर रिलेटेड है, यानी कि जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती, इंटर रिलेटेड है। और लास्ट में कहा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है जो शारीरिक विकास के किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं करती, यानी कि उसका किसी और के साथ एस्पेक्ट के साथ कोई भी लिंक नहीं है।
यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहा गया कि किसी एक बच्चे की अगर उचित विकास करवाना, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट करवानी है, तो क्या उसकी हेल्थ और जो फिजिकल डेवलपमेंट है क्या वो उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उसकी फिजिकल हेल्थ ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी और सी ये दोनों इक्वेशन सही को शो करते हैं। अब हमें बताना है कि बी और सी में से सही ऑप्शन कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और फिजिकल डेवलपमेंट कभी भी पहले स्थान पे नहीं आती, पहले स्थान पे आती है हमारी मेंटल डेवलपमेंट। और जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है वो विकास के अन्य डेवलपमेंट के अन्य एस्पेक्टों के साथ जो भी है वो इंटर रिलेट करती है। अगर सोशल डेवलपमेंट हो रही है, मॉरल डेवलपमेंट हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें रिलीजियस डेवलपमेंट भी होगी, उसमें कल्चर डेवलपमेंट भी होगी, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी। तो ये सभी के साथ जो है वो इंटर रिलेटेड होती है। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको पिछले क्लास में करवाया भी गया है, निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना के क्या उद्देश्य हैं, कि निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। इसमें यह कहा गया कि जो निशक्त बच्चे होते हैं, जो फिजिकल डिसेबल बच्चे होते हैं, फिजिकल आप बोल सकते हैं या कोई भी एक लर्निंग डिसेबल अगर कोई बच्चा है, तो उनको अगर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, तो जो सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, तो वो किस प्रकार के स्कूलों में एप्लीकेबल होते हैं, कि ताकि वो सभी बच्चे वहां पे पढ़ सकें। ऑप्शन फर्स्ट बोलता है स्पेशल स्कूल होने चाहिए उनके लिए, यानी कि विशेष प्रकार के विद्यालय। दूसरा है ओपन स्कूल होने चाहिए, मुक्त विद्यालय। मुक्त विद्यालय का मतलब होता है जहां से वो अपनी जो उनकी एजुकेशन है वो एक वर्चुअल मोड में करते हैं, जैसे कि इग्नू है तो हम घर बैठे वहां से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या वैसा होना चाहिए। तीसरा बोला गया स्कूल ऑफ ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, यानी कि कोई एक सोसाइटी के द्वारा कोई स्कूल ओपन किया गया है, वहां पे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या नियमित विद्यालय रेगुलर स्कूल जो होते हैं उनमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे रहेगा रेगुलर स्कूल, यानी कि जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, समावेशी शिक्षा वाले स्कूल होते हैं, वहां पे बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाता है। जितने भी सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट हैं, जो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनमें जो डिसेबल बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोई भी भेदभाव वहाँ पे बच्चों के साथ नहीं किया जाता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है और जो डिसेबल स्टूडेंट है वो एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में जो है वो इजिली पढ़ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, निम्नलिखित में से सृजनाशील का मुख्य तत्व क्या नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं है। अगर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है तो वो चीज़ बच्चे के अंदर नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। पहला है मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी, ठीक है, बच्चा ओरिजिनल चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। सेकेंड है डिसिप्लिन, थर्ड है फ्लुएंसी, ठीक है, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सीबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अनुशासन। क्रिएटिविटी के लिए ओरिजिनलिटी भी होना जरूरी है, फ्लुएंसी भी होना जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बच्चे को मिलनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो कर सके। तो ये इसमें क्रिएटिविटी के ये तीन मेन एलिमेंट है, लेकिन डिसिप्लिन को उतनी प्रेफर नहीं दी जाती है। सो ऑप्शन बी जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो आज की क्लास में हमने एचपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए वो सभी आपको क्लियर हों। ओके, थैंक यू सो मच।